देश में नरेंद्र मोदी को फिर से आना चाहिए कि बदलाव होना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे और वो आएंगे तो हमारे देश में बदलाव होगा ही होगा, उनके आने से ही हमारे देश में बदलाव होगा। मोदी का ये सरकार बदलना चाहिए। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार कहने से 400 पार हो जाएगा? अरे आप ग्राउंड रिपोर्टिंग पे आइए और देखिए कि क्या स्थिति है गरीब लोगों का। रोजगार वाला जो चीज़ें हैं उसमें सिर्फ थोड़ा सा, क्योंकि हर एक आदमी को गवर्नमेंट जॉब मोदी जी नहीं दे सकते। अगर कांग्रेस नहीं आती है तो सारा देश का संविधान जो है ना नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। एकदम कांग्रेस आना एकदम हमारे देश में जरूरी है। नहीं चाहते हैं कि वो आए, क्योंकि सबका ये डेमोक्रेसी है, सबका अपना राइट है, जिसको भी सपोर्ट कर सकते हैं। अरे आप डेमोक्रेसी को क्या किए हो, एकदम आप उसको लोअर लेवल पे लेके चले गए हो। मतलब एक को पूरा कमजोर कर दिए हो और दूसरे को पूरा मजबूत बना रहे हो, ये कुछ भी अपना मनमानी करे। पूरे देश में 2024 का चुनाव चल रहा है, लेकिन जनता के मन में क्या है? हम अलग अलग जगह जा रहे हैं, लोगों की राय जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर में देश में बदलाव होना चाहिए, नरेंद्र मोदी को आना चाहिए, क्या चल रहा है उनके मन में। तमाम सवालों को लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं, अलग अलग जगह की खबरें भी हम दिखा रहे हैं कि जनता आखिर में क्या सोच रही है, देश के बारे में क्या सोच रही है, आखिर में उनके लिए बेहतर नेता कौन है। क्या लग रहा है आपको, देश में नरेंद्र मोदी को फिर से आना चाहिए कि बदलाव होना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे और वो आएंगे तो हमारे देश में बदलाव होगा ही होगा, उनके आने से ही हमारे देश में बदलाव होगा। सर क्या काम कर दिए, वो तो करे कुछ काम किए नहीं, महिला असुरक्षित हो गई। कहाँ असुरक्षित है, और महिला कहाँ सुरक्षित नहीं है? आज तो घरों में महिला सुरक्षित नहीं है, तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं करना चाहिए। महिला घर में सुरक्षित कहाँ है? महिला को खुद सुरक्षित होने के लिए, उसको खुद अपने को सुरक्षित करने के लिए सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, सेल्फ डिफेंस खुद करेंगी। महिला के लिए ऐसे तो मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं, ये अभी मैं सुन रही हूँ कि संसद में वो कुछ उज्जवला योजना कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हैं, ये पेंशन योजना जो वगैरह ला रहे हैं, सबके लिए तो कर ही रहे, बेटी के लिए कर रहे हैं, बहू के लिए कर रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग के लिए कर रहे हैं, गरीबों को घर दे रहे हैं, अब क्या चाहिए? संसद में महिलाओं को एंट्री दे रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी? आसमान में पहुंचा रहे हैं औरतों को, अभी तक तो औरत हमारे घर में थी, घर से बाहर निकली, अब वो संसद में जाएंगी, जब संसद में जाएगी तब देखिएगा हमारे देश का क्या प्रोग्रेस होगा, अभी तो कुछ नहीं है, अब देखिएगा। मोदी के हाथ में ही देश सुरक्षित है, अगर मोदी जी हट गए तो फिर हमारा देश वहीं चला जाएगा जहाँ पीछे था। मोदी जी हैं तभी हमारा देश इतना ग्रोथ किया है, और वर्ल्ड के जितने भी कंट्री है सभी लोग मोदी को बहुत ही मानते भी हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया तभी तो, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत सारे लोग हैं, कहाँ उनका नाम होता है। मुजफ्फरपुर जाने में मुझे 5 घंटे लगते थे, आज मैं 1.25 घंटे में पटेल नगर से पटना पहुंचता हूं। कैसे मैं बोलूं कि काम नहीं हुआ है? आप अगर अपने पटना की ही बात देखें, जो ज़मीन आपका 3 लाख रुपये इकट्ठा बिकता था आज से 10 साल पहले, आज वो 1 करोड़ रुपये इकट्ठा बिक रहा है, कैसे आप बोलिए ये काम नहीं हुआ है? एक चीज़ है जो रोज़गार वाला जो चीज़ें हैं उसमें सिर्फ थोड़ा सा, क्योंकि हर एक आदमी को गवर्नमेंट जॉब मोदी जी नहीं दे सकते, तो उसके लिए हम लोगों को क्या होगा, हमें भी सोचना होगा कि हमें अपना बिजनेस करना है या फिर हमें प्राइवेट जॉब करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें भी देखना पड़ेगा। देश में बदलाव होना चाहिए, बदलाव ऐसा क्या होगा, तो कह रहे कि हमारी सरकार में बहुत काम हुआ है, इसके सरकार में बेरोजगारी बढ़ा है, महंगाई बढ़ा है, अब क्या करते हैं? हम स्टूडेंट हैं, तैयारी करते हैं। नहीं अभी हम ऑनर्स क्लियर नहीं हुआ है, किसी चीज़ का कंपटीशन की तैयारी करने वाले? हाँ कर रहे हैं, कर रहे हैं, किस चीज़ का? अभी तो मतलब वैसे जनरल ही कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन, सब चीज़ का फॉर्म डालते हैं? हाँ सब कुछ का फॉर्म डालते हैं, फॉर्म डाल ही रहे हैं, भर्ती आ रहा तभी ना डालते हैं, तो भर्ती उतना मात्रा में नहीं ना रहा, देखिए अग्निवीर कर दिया 4 साल के लिए, तो उसमें 60 साल था, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बदलाव चाहते, बदलाव चाहते तो करें कि गारंटी है मोदी की, मोदी ही देश को सुरक्षित रखेंगे। तो सेना को आप 4 साल में निकाल दीजिएगा तो वो जनरल लड़का कहाँ जाएगा? इस पर भरोसा है, राहुल गांधी उधर से कहा जाए कि राहुल गांधी आएंगे तो काम करेंगे, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी काम कर पाएंगे? अभी बदलाव होना चाहिए, कौन आएगा यही तो कहा जा रहा है, बदलाव होगा तो कौन बनेगा?
चेहरा नहीं हुआ तो अब जो हो उतना अनुभव तो नहीं है उनको, लेकिन ये नहीं करना चाहिए था। बदलाव बदलाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी फिर से आएंगे, बदलाव होगा शायद फिर से आएंगे। ऐसा क्या लग रहा है महिलाओं के लिए काम किए पर महिला सुरक्षित रही है इनके साथ करने? हाँ, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो गया, और भी बहुत सारे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये सारी योजनाएँ उन लाडली योजना है, तो ये सारी योजनाओं को देख के लगता है कि वो आएंगे इस बार फिर से। महिला सुरक्षित है लग रहा है, तो पहले किसी कागज में सुरक्षित है नहीं बेटियाँ, सिर्फ ये लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करो। नहीं, बहुत जगह ऐसा बदलाव हुआ है कि आज अब बेटियों को पढ़ाया जा रहा है, बेटियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। सुरक्षित है? हाँ सुरक्षित है, लग रहा है हो पाएगा शायद 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 अभी मैं कौन मोदी जी की गारंटी से विश्वास है कि मोदी की गारंटी है? हाँ मोदी की गारंटी है। अभी मोदी का ये सरकार बदलना चाहिए, अगर यही सरकार टिकती रहेंगी, इसने ना कभी जो पहले के रेट थे उससे डबल हो गए, डबल या ट्रिपल हो गए टैक्स। अभी बैरल के रेट 130 रुपए है, आज उसने कितना यह पेट्रोल का रेट 108 120 कर दिया है। काश्तकारों को बोला दुगना कर देंगे, काश्तकार तो दुगना हुआ नहीं और उनका कर्जा भी माफ़ नहीं हुआ, खाली अनाज बो रहा बेचारा पे कर रहा, लेकिन उसके रेट नहीं मिल रहे, भाव नहीं मिल रहा, इधर गरीबों को बांट रहा तो क्या मोदी फसल नहीं निकाल रहा? कोई मंत्री या आमदार या खासदार नहीं निकाल रहे फसल तो खेती करने वाला पापा ये कर रहा है, उसके ऊपर क्या ध्यान ही नहीं है, बड़ी बड़ी बातें बोलता मक्सा। अभी महिला सुरक्षा है, महिला कौन सी सुरक्षा है? महिला सुरक्षा रही तो उसका एक सांसद क्या ब्रजभूषण है जिसने खिलाड़ियों का ये कर दिया, जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे उन्होंने उसके हर दिया, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी बोला नहीं। अभी उसको उसके लड़के को टिकट दिया, ये कोई महिला का ये करने वाला है? दस बेचारे वो बिल्किस बारो के ऊपर दस। क्या लग रहा है आपको देश में बदलाव? एकदम देश में बदलाव बहुत जरूरी है, अभी बेरोजगारी एक बहुत बड़ा समस्या है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार कहने से 400 पार हो जाएगा? अरे आप ग्राउंड रिपोर्टिंग पे आइए और देखिए कि क्या स्थिति है गरीब लोगों का क्या स्थिति, आकर ग्राउंड रिपोर्ट पे देखिएगा तब तो 10 साल में क्या विकास किए। अरे मान लीजिए कोरोना में एक सुई दी है, क्या नाम था, कोविडशील्ड, उससे भी बहुत खतरनाक बीमारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दिख रहे हैं एकदम हार्ट अटैक आ रहा है, माइंड सर्कुलेशन जो भी है इसका भी प्रॉब्लम है। अब रोड बना दीजिए, रोड से बेरोजगारी खत्म हो जाएगा? मुद्रा लोन से रोजगार कई करोड़ लोगों को बताते हैं बीजेपी ने, तो वो ग्रामीण लेवल पर नहीं ना आता है? ग्रामीण लेवल पर आता कहाँ है? साफ नहीं मिलता है, वो तो बाहर ही रह जाता है, ग्रामीण लेवल पर आता ही नहीं है। जैसे गाँव में हम लोग का ले लीजिए, तो गाँव में तो साफ मुद्दा है, गाँव में कुछ आता ही नहीं। एक हमारे सांसद महोदय हैं तो बस कुछ नहीं, बीजेपी का सांसद हैं, आएंगे बस पूरी पुलाव खाएंगे, भर लगन खाएंगे और जाएंगे, बस और कोई काम नहीं है। बदलाव होना एकदम जरूरी है, नहीं देश में तो कांग्रेस एकदम जरूरी है, एकदम कांग्रेस जरूरी है, नहीं तो आपको हम बता देते हैं। अगर कांग्रेस नहीं आती है, सुनिए ना, आपको हम बता देते हैं, अगर कांग्रेस नहीं आती है तो सारा देश का संविधान जो है ना नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। एकदम कांग्रेस आना एकदम हमारे देश में जरूरी है, 100% जरूरी है देश में कांग्रेस का। कहा नहीं जा सकता है, तो बोल रहे हैं कि बहुत काम हुआ है, देश आगे बढ़ा है। देश काम तो हुआ है, लेकिन सतही तौर पर काम हुआ है, जमीन खरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है, काम तो किया है उन्होंने। पांचवी अर्थव्यवस्था हो गई, पता है? हाँ, देश पांचवी अर्थव्यवस्था हो गई, देश अर्थव्यवस्था आ गई, लेकिन स्तर जो हमारा है लेवल उठ नहीं रहा है। करें कि एक बार और आएंगे तो सब कुछ, किसानों की दशा सबसे दयनीय है। नरेंद्र मोदी तो शीर्ष में बैठे हुए हैं, मैं किसान खुद हूँ, कितनी लागत आ रही, कितना खर्च हो रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है। कहते हैं कि गैस दिया, अरे गैस कुछ नहीं, आयुष्मान कार्ड बना है। अरे आयुष्मान कार्ड किसके लिए है? आवास किसके लिए है? एसटी के लिए है कि सवर्णों के लिए है? 10% लोगों को गरीबों को दिया जा रहा है आयुष्मान कार्ड? खाली गरीब ही दुनिया में है, और सवर्ण में नहीं, सवर्ण में
वो नहीं है, इसके लिए आरक्षण दिया गया ना? कौन सा आरक्षण मिल रहा है? 10% सबसे बड़ा काम है आरक्षण मतलब खत्म करें, जो लायक उसको नौकरी दें। सबसे बड़ा जहर जातिवाद का फैला रहा है आरक्षण। ये तो पहले से नरेंद्र मोदी तो कुछ अलग से किए नहीं, नहीं किए नहीं, तो इसमें सुधार करें, कर ही रहे देश में, जो बोल ही रहे कि जो संविधान में कानून में जो गलत चीज़ है उसको धीरे धीरे बदला जाएगा। अभी जमीनी तौर पर दिखाई नहीं दे रही है जितना कह रहा है, कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसके मुकाबले है कौन? आपको लग रहा है कि कोई इनके मुकाबले आएगा तो देश चला सकता है? तो केवल दुनिया में इंडिया में यही बैठे हुए हैं, केवल नरेंद्र मोदी ही हैं 140 करोड़ जनता में, और भी लोग हैं काबिल, उनको सामने आना चाहिए। राहुल गांधी को लग रहा है आपसे? राहुल गांधी किस लायक में? तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि 400 पार होंगे क्योंकि इनके पास कोई है नहीं, मोदी के सामने कोई है नहीं, विरोधी में कम्युनिटी नहीं है, तो कैसे सफल होंगे? इसलिए मोदी जी आएंगे लगता तो है, आना ही है उनको, उनका विकल्प कोई नहीं है तो क्या होगा? मोदी फिर जाने कहने का मतलब है कि BCCL में 4 ग्रेड का नौकरी झारखंड में एक भी नहीं निकला, सिर्फ अफसर इंजीनियर लोग निकला, जिसका अमीर बाप का बेटा इंजीनियरिंग किया तो निकल गया, नहीं गरीब बाप का बेटा का नहीं निकला। आज हम लोग 30 साल से यही देख रहे हैं, 30 साल से देख, नरेंद्र मोदी तो लगातार करें कि 400 पार का नारा दिया जा रहा पार्टी की तरफ। तो मैंने कहना क्या, बिहार में का नीतीश से इतना नौकरी निकल रहा, बिहार में झारखंड नहीं निकल रहा, झारखंड बहुत लड़का बेरोजगार है, बहुत लड़का बेरोजगार है। झारखंड सरकार की गलती है, झारखंड सरकार तो प्रधानमंत्री पर नहीं जाएगा कि नीतीश कैसे निकाल रहा, नीतीश निकाल रहा ना भाई, इतना आदमी हो रहा ना, टीचर में हो रहा, जैसे हो रहा, लेकिन झारखंड में तो ऐसा है नहीं। बीजेपी तो सरकार में नहीं ना झारखंड में? हाँ, अब ऐसा थोड़ी को सरकार नहीं, सरकार सरकार का जगह अलग है, लेकिन जो है कम से बेरोजगारी जो है उसको कम से दूर करना चाहिए। बहुत सा गरीब है लड़का बच्चा जो पढ़ लिख लिया, तो कोई मलाई बेच रहा है, तो कोई गुपचुप बेच रहा है, पढ़ा लिखा रहा, कोई टेम्पू चला रहा है, पढ़ लिख के जो ग्रेजुएशन कर लिया उसको तो नौकरी कुछ होना चाहिए कम से कम। हर चीज तो करे कि सड़क बना ही रहे, पुल बना। अरे सड़क चाटेगा क्या यार, जब आदमी लड़का लोग सड़क चाटेगा कि लड़का लोग को काम मिलेगा वो चाटेगा? अब आप ही को नौकरी मिल जाए क्या क्या बताइए, लड़का लोग को नौकरी होना चाहिए ना कम से कम। आपका पेट कैसे चलेगा, आपका परिवार का पेट कैसे चलेगा? किसको लाना चाहते हैं, किसको लाना चाहते हैं, अभी इसका कोई गारंटी नहीं है, अभी इसका कोई गारंटी नहीं, कौन आएगा? ठीक है, तो नहीं चाहती हूँ कि वो आए, क्योंकि सबका ये डेमोक्रेसी है, सबका अपना राइट है, जिसको भी सपोर्ट कर सकते हैं, और इसमें मैं उनके अगेंस्ट में हूँ पूरा। आप एक लड़की है, महिला है, क्या हाँ। लग रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है वास्तव? नहीं 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 है, नहीं है, क्योंकि आप न्यूज़ देखते रहते हैं ना, आप यूपी में देख लीजिए या अपने बिहार में देख लीजिए, यहाँ पे मतलब सेफ्टी तो नहीं है, सेफ्टी नहीं। हाँ, ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सबका क्वेश्चन रहता है ना कि ये नहीं है तो राहुल गांधी होंगे, ऐसा कुछ। अरे आपका मत है, आप किसी को भी दे सकते हैं, आप अगेंस्ट में किस जो भी आपको पसंद आ रहे हैं, राहुल गांधी हो कुछ भी हो, देंगे उनको। फिर ये क्वेश्चन सबको ही पूछते हैं कि वो नहीं तो कौन? अरे आप डेमोक्रेसी को क्या किए हो, एकदम आप उसको लोअर लेवल पर लेके चले गए हो, मतलब आप एक को पूरा कमज़ोर कर दिए हो और दूसरे को पूरा मजबूत बना रहे हो, ये कुछ भी अपना मनमानी करे और सामने अपोजिशन उसका कुछ ना कर पाए। कि महिलाओं के लिए हमने इतना बिल लाया कि सदन में हम महिलाएं जाएंगी। देखिए बिल अलग चीज़ है, ठीक है, बिल अलग चीज़ है और ग्राउंड लेवल पे अलग चीज़ है। ग्राउंड लेवल पे हम लोग देख रहे हैं ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं। महिलाएं जब सदन में जाएंगी तो महिलाएं सुरक्षित होंगी ना? सदन में जाना सुरक्षा नहीं है, ग्राउंड सुरक्षा होता है ग्राउंड लेवल पे, सदन पे जाना है वो रिप्रेजेंटेटिव है कि चलो ठीक है पॉलिटिकल पार्टी। दादा मरिए पोता राज करिए, कब का वो बात है? हाँ वो चीज़ है, अभी रिसेंटली ऐसा तो सदन में जाना वो एक पॉलिटिकल मतलब बोलते हैं कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, और अगर ग्राउंड लेवल पे जो है ना वो सेफ्टी का वो अलग है, दोनों अलग मुद्दा है, ठीक है ना? बदलाव होगा आपको? बदलाव होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अरे राहुल गांधी चाहिए, अच्छा PM राहुल गांधी चाहिए, भर कम शब्द है और कुछ नहीं है। ढिंडोरा कुछ ज़्यादा चल रहा है उनका, इस बार मोदी दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे इलेक्शन बाद। ऐसा क्या होगा, वो तो कह रहे देश सुरक्षित है, 5वीं अर्थव्यवस्था है देश में। अभी रिसेंटली मोदी जी आए थे पटना में, कुछ ऐसे आप ही लोग जैसे यूट्यूबर कुछ महिलाएं थी, उनको चीड़हरण हुआ है, उनके कुछ नहीं, लोग नहीं, थे। हम लोग यूट्यूबर नहीं है कि ऐसे ही कुछ और भी चैनल वाले थे उस दिन रोड से। हाँ देखिए उस सब बात तो आपने सुना, किस तरीके से तमाम लोगों से हमने पटना जू के पास आकर के उनके मन की बात जानने की कोशिश किया कि आखिर में लोगों के मन में क्या चल रहा है, चुनाव के प्रति वो लोग कितना गंभीर है, आखिर में क्या सरकार के बदलाव के बारे में वो लोग सोच रहे हैं या नरेंद्र मोदी को तीसरी बार लाना चाहते हैं। तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा है,
कई लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के हाथ में ही देश सुरक्षित होगा। कई महिलाओं ने भी कहा कि महिलाओं के लिए वो अच्छा काम करें। वहीं कई युवाओं से भी हमने बात किया तो उन्होंने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है कि बेरोजगारी जो दर है वो काफ़ी बढ़ा है और हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कई लोगों के मन में ये भी सवाल चल रहा है कि आखिर में होगा बदलाव, होगा तो बनेगा कौन। इसलिए वो लोग भी कहते रहे हैं कि आएंगे तो नरेंद्र मोदी भी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 4 जून को जो फैसला आ रहा है, आखिर में 4 जून के फैसले के बाद से दिल्ली की सत्ता की चाबी जो है किसको मिलती है।